अभी हमने कहा था किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग होने का कंडीशन क्या होगा, तो हमने क्या लिखा था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो ओपन इंटरवल ए बी में, तो ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और या फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर ए और बी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। वहां हमने ये कहा था कि बहुत लोग लिखते हैं ऐसा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, नहीं, हमने लिखा था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी भी हो सकता है, एफ डैश एक्स जीरो के बराबर भी कुछ पॉइंट्स पर हो जाए इंटरवल ए बी में तो कोई बात नहीं, तब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके लिए इस एग्जाम्पल को देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन इस फंक्शन का देखिए डेरिवेटिव x इज इक्वल टू जीरो पर अगर एफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ डैश एक्स होगा थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स इज जीरो, ये जो एफ डैश एक्स आया ये जीरो पर जीरो के बराबर है और बाकी सारे पॉइंट्स पर ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पर इन फैक्ट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इन आर, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो भी हो गया। और यही हम कह रहे थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने पर तो इंक्रीजिंग होगा ही, इक्वालिटी होने पर भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने पर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, प्रोवाइडेड इक्वालिटी अकर्स ओनली एट सम पॉइंट्स नॉट इन एन इंटरवल। अब हमारे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ एज एक्स इंक्रीजेज एफ एक्स डिक्रीजेज, एक्स को बढ़ाने पर अगर एफ एक्स घटे, एक्स को इंक्रीज करने पर एफ एक्स घटे तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब उसको ग्राफ से अगर देखना चाहिएगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ नीचे आएगा, डिक्रीजिंग का मतलब कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे आवे तो यह फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए कंडीशन, जैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन लिखे थे, कंडीशन फॉर एफ एक्स टू बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक पहले के जैसा एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाए फिर हम यहां कह रहे हैं कि इक्वालिटी भी हो सकता है, इक्वालिटी में अगर लेस देन इक्वल टू जीरो इन इंटरवल ए बी, इक्वालिटी में अगर एट सम पॉइंट्स बट नॉट इन एन इंटरवल एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो हो ओपन इंटरवल ए बी में, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी डिक्रीजिंग हो जाएगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, provided fx is continuous at x is equal to a and x is equal to b। तो यहां भी हम वही बात कर रहे हैं कि डिक्रीजिंग होने का कंडीशन, हमने देखा था कि इंक्रीजिंग होने का कंडीशन क्या है, किसी इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग होने का क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए ओपन इंटरवल ए बी में तो ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग होगा, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर ए और बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक वैसे ही किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग होने का कंडीशन क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाए
ओपन इंटरवल ए बी में, तो ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी डिक्रीजिंग हो जाएगा अगर ए और बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और यहां हमने ऑलरेडी कहा था कि एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो का मतलब इक्वालिटी भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स पर, इंटरवल में इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन की बात।